हेलो गाइज, वेलकम बैक फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने एक मोज एप्लीकेशन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि मोज एप्लीकेशन पे आप लोग पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया, कमेंट ये आया है कि मोज एप्लीकेशन पे तो हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, तो हम लोग अब पैसे को निकालेंगे कैसे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप लोग मोज एप्लीकेशन से पैसा अपना कैसे निकाल सकेंगे। अगर आपने मोज एप्लीकेशन से पैसा कैसे अर्न करना है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन मतलब वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो वो वीडियो शो करेगा, उस पर टच करके देख लीजिएगा या चैनल पर जाकर चेकआउट कर दीजिएगा। मोज ऐप प्लेलिस्ट करके एक है, ठीक है, तो वहां पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग अर्निंग कैसे करना है। उसके बाद आप लोग विड्रॉल वाला ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो जो भी है मतलब आप लोगों को देख लेना है। तो चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों के पास तुरंत ही पहुँच जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट छोटा प्रॉब्लम हो एक शब्द में रिप्लाई चला जाए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट का। लेकिन अगर आपका ज़्यादा, आप लोग खुद से सोचिए कि अगर मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आ जाइए, यहाँ इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए सब लोग, वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ हम जानकारी देते रहते हैं, ठीक है, पिक के जरिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो क्या करना है, अपने को आ जाना है तो अपने मोज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हमने मोज एप्लीकेशन ओपन कर लिया और यहाँ पर शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर रिट्राई करने को बोल रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रिट्राई हमने कर दिया। जैसे कि यहाँ पर चल रहा है मोज एप्लीकेशन, यहाँ पर अर्निंग का भी ऑप्शन आ गया है, वो वाला वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को अर्निंग समझ में पूरा आ जाएगी, ठीक है। सिंपली हम अपने प्रोफाइल पे आ गए, ठीक है, उसके बाद हम ओनली विड्रॉल करके पैसा दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अपने पैसे वाले आइकन पर क्लिक कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे अकाउंट में अभी 10 रुपया हुआ है, ठीक है, तो कैसे अर्न करना है वहाँ पर भी मैं आपको बताया हूँ, उस वाले वीडियो को देखिएगा। तो हमने सिंपली उस पर क्लिक किया 10 रुपये पर, यहाँ पर देखिए रिडीम का ऑप्शन मुझे मिल गया है, ठीक है। तो चलिए हम पैसा को रिडीम करते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर एड अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से क्या क्या भरना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर देना है जिसमें आईएफएससी कोड हो उस अकाउंट का, ठीक है, ये ध्यान रहे, ये नहीं फटाफट आया और कुछ भी डाल दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट होल्डर नेम को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हम प्रेस करता हूँ, पहले से ही रखे हैं, यहाँ पर हमने कॉपी करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक बोर्ड में हमने गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अकाउंट होल्डर नेम जिसका नाम से है, जैसा नाम है वैसे ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करता हूँ, यहाँ पर अब हम डालेंगे अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया अकाउंट नंबर, तो हमने फिर अकाउंट नंबर पे हमने अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर फिर वही वाला अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पर डाल देना है, तो फिर यहाँ पर हमने क्लिक करता हूँ और फिर हम क्या करते हैं, वही वाला अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर FCI कोड, ये बिल्कुल ध्यान से डालना है, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है FCI कोड में, ठीक है, प्रॉब्लम यही आती है कि उसमें एक जीरो जो होता है, जीरो और एक ओ, ये इसी को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पर ओ आप लोग टाइप कीजिएगा तो ओ थोड़ा सा गोल टाइप होता है और जीरो थोड़ा सा लंबे टाइप होता है, तो आपने देख लीजिएगा अपने पासबुक में कि मेरा कैसा है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व कर दिए हमने। तो क्या करना है कि मैं यहाँ पर FCI कोड को डाल देता हूँ, तो चलिए हमने FCI कोड को डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको एड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एड हो गया, आप यहां से एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पेंसिल पर जाके। अब देखिए आपको क्या करना है, रिडीम कैश पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर देखिए कैश आउट प्रोसेसिंग चल रही है, तो मैंने तो पहले बार यहां पर कर रहा हूं, तो देखता हूं यहां पर क्या होता है। उसके बाद यहां पर मैं एक बार बैग जाता हूँ, क्या यहाँ पर मतलब ये हो जाता है या नहीं, फिर से हमने रिडीम पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए रिडीम तो यहाँ पर मतलब पैसा तो कट गया और रिडीम भी हो गई। तो अब पता नहीं, तो बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, तो अब तो मैं देखता हूँ, ये भी नहीं पता है मुझे कि कौन सा नंबर लिंक है, क्योंकि मैसेज भी आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना एक मैसेज चेक कर लेता हूँ कि क्या मुझे मैसेज मिला, तो मैसेज तो फ़िलहाल नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मतलब ये प्रूफ तो नहीं दिखा पाया कि मतलब आ गया है कि नहीं मेरे अकाउंट में पैसा, ठीक है, कौन सा नंबर लिंक है मुझे पता नहीं है। तो मैं कल जाऊंगा बैंक में, अगर उधर से मतलब आ गया होगा पैसा तो मैं पासबुक से स्क्रीनशॉट लेकर अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में आप लोगों को वहां पर मतलब फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को साबित हो जाएगा। और हाँ देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि बैंक अकाउंट सक्सेस। ओ माय गॉड, मतलब
यहाँ पर जो पैसा है मतलब सक्सेस हो गई, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में चला गया पैसा। तो फिर से एक बार हम मैसेज को क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या मैसेज आया मेरे पास। तो इस नंबर पर मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब ये नंबर लिंक नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, और मतलब उधर से तो आ गया कि सक्सेस तो लिख दिया, लेकिन मैं प्रूफ मतलब दिखाऊंगा आप लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन में, ठीक है, पिक को डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं।